हम लोग आ गए स्नो में। आज हमारा श्रीनगर में दूसरा दिन और हम लोग निकल रहे हैं गुलमर्ग के लिए। यहाँ से हम लोग का ब्लॉग स्टार्ट होता है। यहाँ से लोग डल लेक से निकल चुके हैं। यहाँ पे हम लोग खाने के लिए रुके हैं। यहाँ से टेम्परेचर गिरना स्टार्ट हो गया है। यहाँ आगे में जस्ट ना 30-40 किलोमीटर पे गुलमर्ग का जहाँ स्नो मिलेगा। आलू पराठा 3 साल पे तो अभी अपना नाम बताइए। माय नेम इज फारूक अहमद। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं गुलमर्ग। वहाँ पे क्या क्या है? वहाँ पे केबल कार है, केबल कार से ऊपर जाना है, फर्स्ट फ्लेट, सेकंड फ्लेट, बर्फ़ देखने आपको जाना है। अच्छे बेस्ट प्लेस है गुलमर्ग। श्रीनगर से गुलमर्ग आप लोग कितना चार्ज करते हैं? हम लोग 3,000 रुपये चार्ज करते हैं गुलमर्ग आने के लिए। ठीक है, आपका नंबर बोल दो एक बार। नंबर मेरा 9549166। यहाँ पर एटीएम के लिए रुके हुए हैं क्योंकि इसके आगे वहाँ पर एटीएम कहीं मिलेगा नहीं। यहाँ पे हम लोग का सारा कुछ मिल जाएगा रेंट पे। सब है। अपना ब्रीफ कीजिए। हाय, आई एम नासिर, गाइड इन गुलमर्ग। सो वी आर गोइंग टू गुलमर्ग इन दिस टाइम। सो आई एम प्रॉपर लिविंग इन चंडमर्ग and we are going to Gulmarg area. There is no people's area there, that side is only tourist areas. Nobody can live in upper area in Gulmarg. So we are going through the first gondola and after we are reaching in top of the mountain, 14,000 feet above sea level. There is the snow and there we have to do the activities in there. तो अभी हम टनमर्ग में हैं। यहाँ से टनमर्ग में हम जाएंगे ऊपर। ये 13 किलोमीटर का रास्ता है। फिर उसके बाद हम गुलमर्ग प्रॉपर पहुँचेंगे। वहाँ पर पार्किंग यार्ड में हम रुकेंगे। उसके बाद 1 किलोमीटर हमें चलना है केबल कार के लिए। तो आप प्रिपेयर हो 1 किलोमीटर चलने के लिए? हाँ, दोनों ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है वहाँ पर। घोड़ा है, गाड़ी है, ATV है। वो टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है वो कौन सा एक्टिविटी करना चाहता है। बाई फुट जाना चाहता है वो टूरिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि कैसे जाए। 1 किलोमीटर चलना है। जो हेल्दी पर्सन होते हैं वो 1 किलोमीटर इजीली चल पाते हैं। जो ओल्ड एज होते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट ज़रूरी पड़ता है। तो इस चीज़ में ये सब टूरिस्ट के ऊपर ही निर्भर रहता है। ये गाइड के ऊपर निर्भर नहीं रहता है बल्कि टूरिस्ट के ऊपर निर्भर रहता है वो कैसा जाना चाहे। केबल कार का जो गवर्नमेंट का रेट रहता है केबल कार में 740 और GST मिला के 750 रुपीज़ गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं।
लेकिन अगर आप आउटसाइड करते हो तो उसमें क्या है कि दोनों सेक्शन में आपको 80 रुपीस जो है टिकट्स का एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अगर आप किसी फेज वन का है ना गोंडोला से, हाँ फेज वन, और फेज टू का है 960 रुपया, तो ये 80 रुपया जो है एक्स्ट्रा पड़ता है अगर आप दूसरे से टिकट निकालते हो। केबल कार जो मैंने आपको पहले भी बोला है कि 14,000 फीट पे लेके जाता है, लेकिन गुलमर्ग से फर्स्ट स्टेशन 3,650 मीटर की ऊंचाई पर है, और फिर जब हम कुंगम डोरी से ऊपर जाते हैं यानी कि दूसरे स्टेशन से ऊपर, वो 3,050 मीटर फिर हमें ऊपर लेके जाता है। यानी कि अगर हम बात करें गुलमर्ग से केबल कार की हाइट, ये 6,700 मीटर की हाइट पे हमें लेके जाता है। तो अगर हम सी लेवल की बात करें तो ये 14,000 फीट अबाउट सी लेवल के ऊपर हमें लेके जाता है। ठीक है, ये भैया हम लोग साथ हैं आज, इनको हम गाइड भैया बोल रहे हैं, ये हम लोग साथ जाएंगे। बजरंगी भाईजान का शूटिंग एक यहाँ पे भी हुआ था, जिसमें आर्मी उसके पीछे पड़ा हुआ रहता, वो मुन्नी को लेके भागता है। ये हम लोग आ गए गुलमर्ग, ये सेकंड से ऊपर में गोल्फ क्लब है। कुछ पूरा गोल्फ कोर्स का एरिया है जो सामने में आपको दिख रहा है, इसके अंदर में वो वहाँ पर कैथोलिक चर्च है जिसमें वो जब तक ही जान का शूटिंग हुआ था। अच्छा, उस सर सर There's something that'll have what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know. अरे हम लोग जैकेट ले लिए, सारा कुछ नीचे से। ये आगे का माल देखो,
ग्रीन सेट दिख रहा है वहाँ से, वो जगह गंडोला है, वहाँ से हम लोग केबल कार से जाएंगे। टेम्परेचर बहुत कम हो गया है, ऐसा और कुछ दूर चलने पे हम लोग पहुंच जाएंगे। सुनो आप सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, लाइक भी करना। तो आज लास्ट है, आज लास्ट है, तो अभी समझो ये जुलाई का जो है ये समझो एंड कोटा है सेकंड फेज के लिए। ये हम लोग फर्स्ट फेज से जा रहे हैं, इसके ऊपर का नाम क्या है, सेकंड कुंगम डोरी, कुंगम डोरी, कुंगम डोरी से हम लोग सेकंड फेज पे एंटर करेंगे। गुलमर्ग से हम जा रहे हैं कुंगम डोरी, 10,000 जो फीट है गुलमर्ग पड़ता है, 10,500 फीट पे हम पहुंचने वाले हैं, फिर हम जाएंगे 14,000 यानी कि 4,000। जो केबल कार आप देख रहे हो ये वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट केबल कार पड़ता है जो 14,000 फीट के ऊपर लेके जाता है, ठीक है। अभी हम जाएंगे पीक पंजाल रेंज के ऊपर जो अपोजिट डायरेक्शन में आप क्लॉक वाइज अगर आप बोलोगे क्लॉक वाइज ऑफ हिमालय के अंदर में पड़ता है, तो ये पूरा हिमालय ही लेकिन वो साइड में जिसे हम हिमाचल प्रदेश कहते हैं वो पहाड़ जो है। फाइव मिनट हम लोग यहाँ वेट किए लाइन में, उसके बाद हम लोग फेज टू के लिए रेडी है।
मिला है पूर्णिया से। फ्लाटी के लिए रांची। अच्छा रांची के। अच्छा बाय सब आप बाय बाय। साइड में नहीं है उड़ी, हमारा इस साइड में पड़ता है, लेकिन ये जो है हमारा पुनिश सेक्टर पड़ता है, इसके पीछे पुनिश सेक्टर, और इसके ऊपर में अगर हम जाते हैं हाँ, तो पीओके बॉर्डर पड़ता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो नीलम वैली है हाँ, पाकिस्तान के अंदर में वो इस तरफ पड़ता है। हम लोग आ गए स्नो में आराम से देखो हेलो बाबू इधर हेलो हाय बोलो सबको हाय बोलो ये है जितनी बच्चा बचपन में भी हम ऐसे ही करते थे। देख लो हम भी लेट जाते थे, बस वो बर्फ है और वो हम लोग जहाँ लेटते थे वो मिट्टी होता था, और ये रहा कुछ हाथ पैर रेड हो गया है। बेबी तुम क्यों रो रही हो? इसका ड्रेस गंदा हो गया इसलिए ये रो रही है। अभी और स्पीड रोने लगी। नो नो डोंट डू इट। देखो ना अंकल कैसे फोटो ले रहा है। हाय करो। हाय कर दे। से हाय हाय। हाय करो हाय करो। हाय गाइस। हाय गाइस। वेलकम टू माय व्लॉग। हेलो। हेलो। हाय फ्रेंड्स। Just say to bye, Gulmarg. जनाब कॉफी कैसे? कॉफी 100 सर। और मैगी? मैगी 100। और चाय? चाय नहीं है सर। चाय नहीं है।
ये लो सर। और मैगी ना खाओ हो ही नहीं सकता है, कंपलसरी है। जब घर में इतना खाते हो तो यहाँ का क्या ही करेंगे। ये डुगू का याद दिला रही है हम लोग को। डुगू पार्ट टू यहाँ पे है अवेलेबल। हेलो पिज्जा लवर्स, वर्ल्ड का हाईएस्ट पिज्जेरिया इन द वर्ल्ड एट द टॉप ऑफ माउंटेन अपर वर्ल्ड एट 4200 meters। हाय हाय, क्या हुआ? क्या हुआ? हाय बोलो, बाय बाय। बोरे को चुप हो गई, वो लड़की थी ना। हाय, फिर से स्टार्ट हो गई। और ये है सबसे महंगी कॉफी लाइफ की, मैगडी को फेल किया हुआ है 400। ये वही बच्चा है, देख लो सब कोई, देख लो रो रहा है ऊपर में। ठीक है, हम लोग यहाँ से भैया को बाय बाय बोलते हैं। ठीक है भैया, एक बार अपना नंबर बोल दीजिए। 6005637702 मेरा नंबर है, आप कश्मीर में विजिट करना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है भैया को बाय बाय करो, बाय बाय, कॉन्टेक्ट कर लेना।